हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस तरह से जब जाल अपना फट जाता है तो उसको सिलना देखेंगे, किस तरह से हम सिलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपका जाल इस तरह से फटा हो तो इसको पहले हम साफ़ करते हैं अच्छी तरह से। इसको हम साफ़ करते हैं ताकि अपने जॉइंट एकदम प्रॉपर लगे, जैसा पहले था वैसा ही अपना जाल देखने लगे। ये तो हम छोड़ सकते हैं, इनको हम, ये जो फंदा रहता है यहाँ पे छूट जाता है, तो इस हिस्से को हम इसको छोड़ते हैं। इस तरह से हम इसको छूट लेते हैं। इस तरह से हम इसको साफ कर लेते हैं। अब इसको हम ज्वाइंट करेंगे, जैसे इधर है ना, इधर हम रेशम को बांधेंगे, इधर से एक ही फंदा बनेगा इसमें और इधर से ये फंदा बनेगा इसमें। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए ज्वाइंट करने के लिए हमने इस छोटी नीडल का उपयोग करेंगे। ये बनाई मैंने, ये केवल जाल को, जो फटे हुए जाल को जोड़ने के लिए ही मैंने इसको बनाया है, तो इसका हम उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम इधर जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं, पहले हम धागे को इसमें से निकाल लेंगे। ये उसी तरह से जुड़ेगा जैसे हम जाल बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको हम जोड़ेंगे। इस तरह से हमने पकड़ा और इस तरह से ये राउंड ले लिया, जो फंदे में राउंड आता है ना, ये आ गया। इस तरह से राउंड लेके फंदे की यहाँ से निकाला, इसमें हम दो बार नीचे से निकालते हैं, यहाँ से दो बार निकाला, क्योंकि हमें ये रेशम को यहाँ बांधना है। दो बार निकालने के बाद इस फंदे के अंदर से हम एक बार निकालेंगे, तो इस तरह से हम खींचते हैं। देखा ना किस तरह से बन रही है, इसको हम पकड़े रहेंगे। तो इस तरह से बन गई। अब हम इसको इसमें बांधेंगे, फंदा बनाना है हमारे लिए। जिस तरह से हम जाल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम बनाएंगे। तो एक हमें यहाँ पर नया फंदा बनाना है, यहाँ से इस तरह का नया फंदा बनाना है, तो उसके लिए हम इसमें से डालेंगे। इस तरह से हमने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद फंदे टाइप का बनाया, बाजू से लिया एक बार अंदर से लिया। इस तरह से अपना ये बहुत आराम से करने वाला काम, ये फंदा बन गया। फंदा बन गया, अब इसको हम इसमें बांधेंगे। तो इससे हमने सुई को निकाला, यहाँ देखेंगे अपने फंदे के साइज का, और यहाँ हम इसको पकड़ लेंगे। बहुत बारीक काम है ये, बहुत स्लो करना है अपने लिए। इस तरह से हमने निकाल लिया इसको। इसको हमने इस तरह से, ये दो फंदे हमारे बन गए। ये हम एक गांठ और लगाएंगे ताकि ये छूटे ना, क्योंकि कट करना पड़ेगा हमें, दो बार बांधना पड़ेगा इसको, कट करना पड़ेगा इसको। एक बार और निकाला इसको, अब इसके अंदर से निकालेंगे इस तरह से। इस तरह से फंदा बन गया, काट दिया। अब इसके बाद हम इधर से स्टार्ट करेंगे,
इधर से या इधर से कहीं एक जगह से हम स्टार्ट करेंगे। ये जाएगा इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो पहले हम इधर से बांधते हैं। तो इसको हम यहाँ मजबूत तरीके से बांधेंगे। इसको हम इधर इसके नीचे से दो बार निकालेंगे, एक बार। अब इस फंदे के अंदर से जैसे हम फंदा बनाते हैं वो सेम वैसा ही बांधना है इसको। एक बार और इसमें से हम सुई को डाल के नॉट लगाएंगे। इस तरह से मजबूत गांठ लग गई। इसके बाद अब हम इस फंदे में इसको ज्वाइंट करेंगे, इस फंदे में ज्वाइंट करेंगे, फिर इधर। तो हम ज्वाइंट करते हैं जी, हम काट लेंगे, थोड़ी रुक के काट लेंगे। तो इस वाले फंदे से हम पहले ज्वाइंट करते हैं जो हमने नया बनाया है। इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से हम एक बार डाला, दो बार डाला। अब इसके बीच से एक बार जी, दोनों साइड में रहना चाहिए जो अपने फंदे में रहते हैं, उसी तरह से दोनों साइड में रहेंगे और जी निकालना। इस तरह से छोटे फंदे का जाल है इसलिए समझ में नहीं आ रहा ना बेहतर तरीके से। अब इसको हम इसमें फंसाएंगे, इसमें। तो अब हम इसमें बांधेंगे, इसको पहले हम दबा लेते हैं उल्टा, सेम उल्टा बांधना है। पहले हम सीधा इस तरफ से बांधते थे, अब उल्टा हो गया है। या आप जाल को इस तरह से घुमा भी सकते हैं। तो इधर हम इसको बांधते हैं, पहले हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं इस तरह से। अब ये उल्टा फंदा बनाना है तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है। इसमें क्या रहता है, इसको हमें, इसको पहले हमें ये राउंड बनाना है, इसको यहाँ से निकालना है। एक बार निकाला और उसके बाद हमें इस फंदे के, लाल वाले इस फंदे के अंदर से निकालना है। ये पूरा उल्टा रहता है फंदा तरीके से बंधेगा। तो इस तरह से हमारा फंदा बन जाएगा। तो इस तरह से हमें खींचना पड़ेगा। अब यहाँ पर बन गया, इसके बाद हम यहाँ इस वाले फंदे में हम बांधेंगे। तो इसमें तो सिंपल ही है, जैसे हम जाल बनाते हैं उसी तरीके से इस तरह से हम पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद नीचे से एक बार निकाला, एक बार और निकाला, एक बार यहाँ बीच से निकाला, इसके बीच से निकाला। खींचते गए, खींचते गए, जब तक अपन को लगी तब तक खींचते गए। ये फंदा बन गया, साफ समझ में आ रहा ना फंदा। ये मैं जाल को नीचे रखे हूँ इसलिए थोड़ा ढीला ढाला सा बन रहा है। इसको हम कहीं टाइट जगह खींच के बांध के रखते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस फंदे को ज्वाइंट कर देंगे तो अपना नेट बन जाएगा। इसको हम नीचे से निकालेंगे, इधर से ये उल्टा फंदा आएगा, यहाँ पे नीचे तरफ उल्टा आता है ना, इसको हम इधर पकड़ लेंगे। इधर हम इसको पकड़ लेंगे, इधर पकड़ने के बाद हम इसके नीचे से इस वाले फंदे के
नीचे से हम एक बार निकालेंगे और एक बार इस फंदे के अंदर से निकालेंगे। इस तरह से हमारा फंदा बनेगा। इसको हम खींचते जाते हैं जब तक हमें फिक्स ना बन जाए। ये हमारा फंदा बन गया, ये हमारा लास्ट है। यहाँ पे हमें कट करना पड़ेगा, थोड़ा मजबूत रखना पड़ेगा, तो इसको हम एक बार और बांधते हैं। बांधने के लिए हमें उल्टी तरफ से रखना पड़ेगा, इसलिए एक इसको साइड में ले लिया, दो दो बार निकाल दिया, इसको इन दोनों को हम साइड में ले लेते हैं इस तरह से, और इसके अंदर से एक बार हम और निकालते हैं ताकि इसमें गांठ लग जाए। जी दूसरा वाला हमने इसके अंदर से निकाला है। इस तरह से ये खींच जाएगी, इस तरह से मजबूत बन जाएगी। अब उसके बाद हम इसको काट लेते हैं और काट के मिला लेते हैं सही से। इसको हम पास से ही काट देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत मजबूत बना है। ये आप देख सकते हो जाल किस तरह से हमारा सिल गया है। ये फंदा थोड़ी बड़ा हो गया है, उसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये गांठ के कारण हुआ है। क्योंकि ये गांठ है ना, ये यहाँ पे आ रही थी, इसको यहाँ बंधना था, तब कि ये थोड़ी ऊपर बंधा है और फिर बाद में खिसक गया, तो उस कारण से ये हो गया। लेकिन आप सिलाई देख रहे हो ना किस तरह से सिला गया। एक फंदा ए बनाया हमने, एक ये नया बनाया और एक आधा बनाया, एक आधा ये आधा ये एक ये। तो इस तरह से हम जाल की सिलाई करते हैं। बहुत आसान तरीका है सिलाई करने का, बस ये बहुत बारीक काम है, इसमें आराम से सिलाई करनी पड़ती है, इसमें कोई जल्दबाजी का वो नहीं रहता है।